मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के कृष्णा नगर में रहने वाली विधवा महिला मुकेश देवी ने भू माफिया द्वारा उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उसने NH2 पर गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज चलाने वाले गोपाल प्रसाद शुक्ला और उनके दो पुत्र आदित्य व आशुतोष पर जमीन हड़पने के साथ मारपीट, गाली गलौज और दुर्व्यवहार करने की बात आज मीडिया के सामने रखी है। 7 साल पहले महिला के पति की मृत्यु भी हो गई थी। अब इनकी दो बेटियां हैं। महिला ने बताया कि यह जमीन उनके पति ने खरीदी थी, जिसका 1975 का बेनामा उनके पास है। इस प्रकरण की जानकारी वह समय समय पर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को दे चुकी है, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए आज उनको मीडिया के सामने आना पड़ा। महिला ने यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के बड़े भाई सूर्यकांत शर्मा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के भाई भी भू माफिया गोपाल प्रसाद की पैरवी कर रहे हैं और मेरी जमीन पर आकर मुझे धमका चुके हैं। मैं असहाय हूँ। जिला के आला अधिकारियों से कहना है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम मुकेश देवी है जी। मैं स्वर्गीय गोखले शर्मा की पत्नी हूँ। उनकी जायदाद थी गोवर्धन चौराहे पर कृष्णा नगर, तो शुक्ला मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। कौन शुक्ला है? गोपाल शुक्ला। क्या करते हैं वो? वो वकील हैं। उनके घर में 5 लोग वकील हैं और मैं विधवा हूँ, इसलिए वो मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। तो अब क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जमीन को मेरे किसी भी तरीके से, वो जैसे मुझे दबाना चाहता, मैं जब जाती हूँ जब ही मेरे से मारपीट करता है। अब मैंने एक भांजे को अपने साथ लिया, मेरे पास 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां मैंने ये इसकी वजह से बाहर निकाली हैं और भांजे को लेके गई तो इसने मारपीट शुरू कर दी। बोला कि इसको जान से मार दो। मेरे भांजे की भी जान से मारने की धमकी देता है, उसकी जान के लिए खतरा है, मेरी मेरे बच्चों के लिए जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस में आपने कोई कंप्लेंट कराई? पुलिस में कंप्लेंट कराई इसकी, इसने पता नहीं कितना पैसा भरा है, पुलिस ने भी कोई कंप्लेंट नहीं ली। शुक्ला किस बात किस पे इसको लेकर आप जमीन पर कब्जा कर रहा है? ये तो शुक्ला तो वैसे इसकी कोई जमीन नहीं थी, इसका तो पीछे कॉलेज है, कॉलेज जाने के लिए रास्ता चाहिए, मेरे पति ने रास्ता छोड़ा था, लेकिन इसने अवैध आकर के मेरे ऊपर जबरदस्ती कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। कितनी जमीन है और कितने की जमीन होगी इस वक्त? जमीन है 400 वर्ग गज जमीन है, करीब होगी 2 करोड़ की। जैसे कि 2 करोड़ की जमीन है, इसलिए कब्जा करना चाहता है। और ये हर जगह पर जहाँ भी मेरे जैसी अबला मिलती है। आपने वो जमीन जो खरीदी थी, जब परचेज की थी, वो कब की थी आपने? कौन सन में की थी आप? 2009 में। बताया जाता है, जैसे कि वो भी बताते हैं कि उनके पास कोई रजिस्ट्री है या कुछ, लेकिन वो रजिस्ट्री है उसकी दूसरी है, मेरी रजिस्ट्री पर कब्जा हुई इसलिए करना चाहता है कि मेरी मेन रोड पर है। उनकी कहाँ पे है जिसको आप बता रही है? उसकी तो उसके कॉलेज के पास है। किसी का संरक्षण मिला है? क्या ऐसा लगता है किसी का उनके सर पे हाथ हो या किसी के उस पे? हाँ? किसका? उसके सर पे हाथ है, उसका विधायक का। कौन से विधायक? विधायक मौजूद आए थे, मौजूद आए थे। कौन से वाले विधायक हैं, क्या हैं? विधायक हैं राजकुमार रावत और मौके पर वो सैलन सूर्यकांत शर्मा आए थे। उन्होंने क्या कहा? कौन है सूर्यकांत शर्मा? मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत जी के भाई हैं बड़े। क्या कह रहे थे आपको? वो कह रहे कि मारो पीटो भगाओ इन्हें। हाथापाई करी। जब मैंने अपने कमरे से ताला लगाया तो उसने आकर के हाथापाई की मुझसे। हाथापाई किसने करी? शुक्ला के बेटे ने। आपने शिकायत करी पुलिस में? हाँ शिकायत की, लेकिन मेरी पुलिस ने शिकायत नहीं ली, बोला कि नहीं। आप वरिष्ठ पुलिस SSP से बड़े अधिकारियों से कहीं मिली? मैं सब अधिकारियों से मिली हूँ, लेकिन कहीं भी मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी शुक्ला ने। और मेरे खिलाफ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ ये पहुँच जाता है। हाथ दो यार। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा नाम है।
किस संबंध में पेश करने बुलाई आपने, क्या हुआ? मैं पहले मीडिया का आभार करता हूँ कि मीडिया ने मेरी मदद के लिए आगे आई। ऐसा ही ये मेरी मामी जी हैं, इनका प्लॉट गोवर्धन चौराहे पे है। मामा जी करीबन 7 साल से बीमार, उनकी दोनों किडनी खराब हो गई, बड़े परेशान रहे और उनकी 2018 में मृत्यु हो गई। वो जो है मामा जी मरने के बाद में मैंने मामी जी ने बुलाया मुझे कि ऐसे ऐसे प्लॉट पे चलना है और सफाई वफाई करनी है। तो हम लोग गए सफाई करने के लिए प्लॉट पे। तो जो है प्लॉट पे पहुँचे हम, सफाई वफाई अंदर कर रहे थे, इतने में शुक्ला जी, आदित्य शुक्ला, आशुतोष शुक्ला और उनके पिताजी गोपाल प्रसाद शुक्ला और कुछ अन्य लोग भी साथ में आए, तो वहाँ आकर के गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। हमने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वहाँ से हमारे जो मंत्री जी उनके बड़े भाई पूरी। बड़े भाई भी आए तो हमने उनसे, कौन से मंत्री जी के बड़े भाई है पूरा बताओ? सूर्यकांत शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री जी के बड़े भाई हैं। हाँ। उनसे भी हमने विनती करी, मैं भाई साहब आप ये क्या करा रहे हो, आप तो पुकार सुनो। तो उन्होंने बोला कि कोठी पे आना। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये मारपीट हो रही है, इसे तो रुकवाइए। तो वो गाड़ी में बैठ के फिर चले गए। वहाँ से प्रशासन आया, हम लोगों को थाने ले गया, आदित्य शुक्ला को और मेरे को भी, दोनों को रात को हमें छोड़ दिया गया। अब उसके बाद मेरे खिलाफ़ तो FIR लिख जाती है, उनके खिलाफ़ कोई मेरी तहरीर नहीं दी गई। मैंने अपनी FIR लिखवाई थी लेकिन कोई जवाब उसका नहीं मिला। मेरी जान को खतरा है और मामी जी को भी धमकी देते हैं और हमने पुलिस ने ताला भी लगाया। अब क्या होता है कि उसको ताला लगवाया ना तो मुझे बोल दिया, हमें भी चाबी नहीं दी और उन्हें भी चाबी नहीं दी। अब दोबारा से उन्होंने नाम माम लिख दिए उस पे प्लॉट पे। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये की विनती है कि हमें न्याय दें, अगर हम दोषी हैं तो हमें दंड दें। हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन हम न्याय की अपील करते हैं और हमारी रक्षा, क्योंकि वो दबंग हैं, वकील हैं, कचहरी पे मरवाने की धमकी देते हैं। अगर मेरी कहीं, मेरे परिवार की कहीं भी कोई भी हत्या या कोई भी षडयंत्र होता है, झूठे आरोपों में फंसाया जाता है, उसके जिम्मेदार आदित्य शुक्ला, आशुतोष शुक्ला और गोपाल प्रसाद शुक्ला और जो नेता उनका साथ दे रहे हैं वो अपराधी होंगे। मेरी अगर जान को कोई भी खतरा होता है तो। मैं गुरु नानक लाइफमेल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चौकी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।